गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फॉर्म 26AS के अंदर 1 जून 2020 से काफी बड़े चेंजेस और अपडेट जो हैं वो कर दिए गए हैं, और उसके अंदर जो पहले इंफॉर्मेशन आती थी उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन न्यू फॉर्म 26AS जो कि अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाएगा वो भी इंक्लूड होगी। तो ये जो नया फॉर्म 26AS है इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड होंगी उसके बारे में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख पा रहे हैं फॉर्म 26AS का जो नया फॉर्म है उसका पार्ट बी, इसके अंदर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का इंफॉर्मेशन है, जो आपने सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स जमा करा है उसका इंफॉर्मेशन है, रिफंड या डिमांड अगर कुछ है तो उसका आपको डिटेल्स 26AS में पहले भी देखने को मिलता था, अभी भी देखने को मिलेगा। अब इसमें पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अगर कुछ है तो उसका डिटेल्स रहेगा, साथ ही साथ कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स यानी कि कोई असेसमेंट चालू हो गया है वो अगर पेंडिंग है तो उसका भी डिटेल्स, साथ ही साथ जो कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स है कंप्लीटेड असेसमेंट्स है उसकी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। पॉइंट नंबर 7 में एनी अदर इंफॉर्मेशन जिसमें कि जीएसटी से रिलेटेड डेटा हो गया या कोई भी डेटा हो जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के रूप में आएगा वो भी आपके फॉर्म 26AS में दिखाया जाएगा। लेकिन इन सब से ऊपर एक ट्रांजैक्शन है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस और बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता नहीं होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न वो बताया जाएगा। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है कि अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, अपने बैंक खाते का पैसा फिक्स करवाया है 10 लाख रुपए से ऊपर किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो अब आपके 26AS में आ जाएगा और ये डेटा बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो है आपका कैश डिपॉजिट या फिर कैश का विड्रॉल, अगर आपने एक साल के अंदर 50 लाख रुपए से ऊपर का करा है करंट अकाउंट से तो वो भी डेटा अब फॉर्म 26AS में इंक्लूड होने वाला है। तो पहला ट्रांजैक्शन फिक्स्ड डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल से रिलेटेड है जो कि रिपोर्ट करती है बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, तो अगर आपने ऐसा कोई काम करा है तो इस चीज का वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा रिटर्न को फाइल करने से पहले जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है, अगर आपने माल बेचा है यानी कि जो ट्रेडिंग गुड्स है उसका बिजनेस आप करते हैं और आपने कैश रिसीव किया है कितना अमाउंट 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट अगर आपने कैश रिसीविंग करी है तो वो भी डेटा अब आपके फॉर्म 26AS में आएगा क्योंकि ये स्पेसिफाइड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ये सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, ये सेल ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज हो आपको ये डेटा जो है 26AS में दिखेगा। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये डेटा भी आपको फॉर्म 26AS में देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यानी कि जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख या उससे ज्यादा है उसी की वैल्यू आपको फॉर्म 26AS में दिखाई जाएगी। ये डेटा रजिस्ट्रार जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन के बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। अगला जो ट्रांजैक्शन है जो आपके फॉर्म 26AS में आएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये है आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डेटा। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कौन सा डेटा आपको फॉर्म 26AS में जाएगा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करा है, कितने का पेमेंट करा है 10 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड का करते हैं और परचेज आपने किया है 1 लाख से ऊपर का इन कैश, तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन अब 26AS में इंक्लूड हो जाएंगी। कहने का मतलब
मतलब है कि पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड 10 लाख से ऊपर अगेंस्ट बिल रेज ऑफ परचेज और एक्सपेंसेस और रुपीज 1 लाख पेड इन कैश। कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपने 1 लाख रुपए से ऊपर का कैश पेमेंट किया है या फिर परचेज और एक्सपेंस का बिल मिलाकर के 10 लाख से ऊपर चला जाएगा, तो ये डेटा आपकी फॉर्म 26AS में इंक्लूड हो जाता है। अगला और लास्ट ट्रांजैक्शन है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं या फिर डिबेंचर्स खरीद रहे हैं किसी कंपनी की या फिर आपने बॉन्ड्स खरीदी है किसी कंपनी की और इसकी वैल्यू है 10 लाख और मोर, तो ये डेटा भी अब आपके फॉर्म 26AS के अंदर दिखाया जाएगा, क्योंकि ये डेटा काफी सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, जो है वो पेपर नहीं दे पाते, इसीलिए इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर इनका सही तरीके से डिटेल्स नहीं जा पाता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा है या आप बाईबैक कर रहे हैं या फिर आपने कोई टाइम डिपॉजिट करा है, तो ये सारी चीजें अब आपको फॉर्म 26AS के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी 26AS में आएगा तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करनी पड़ेगी, इनकम जो है अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। और ये जो एनी अदर इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो एनी अदर इंफॉर्मेशन है इसके अंदर आपका जीएसटी का डेटा हो गया, सर्विस टैक्स का अगर कोई काम है तो उसका डेटा हो गया, वैट का डेटा हो गया, यानी कि अदर अदर जो सरकारी विभाग है वहां से आपके लिए कोई डेटा अगर अवेलेबल है तो वो भी इनकम टैक्स के फॉर्म 26AS में अब आपके लिए दिखा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर्म 26AS से रिलेटेड जो कि आपके लिए काफी काम का हो सकता है, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और अपनी ITR को वो बनाते समय उसकी तैयारी करते समय इन चीजों का ध्यान रख सके। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, और अगर आपको अपडेट्स रेगुलरली चाहिए तो आप उसके लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसकी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको आर्टिकल के रूप में, मैगजीन के रूप में अपडेट्स चाहिए टैक्सेशन रिलेटेड, तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है 1 से लेके 3 अगस्त तक, यानी कि आज लास्ट डेट है जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है, इसका बेनिफिट लेने के लिए 10% का डिस्काउंट आज तक दिया जा रहा है। अगर आप आज करवा लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।